हेलो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हो आज आज हम जो है आपको मकई की रेसिपी बनाएंगे और ये, क्या है मौसम है कौन का मकई का तो उसका लुफ्त लेना ही चाहिए सीजन की जो बनाते हैं ना वो बहुत अच्छा स्वाद भी आता है उसका तो हमने मकई ले ली है और उसको अच्छे से धो लिया है और उसको साफ़ कर लिया घर की हमारी थी मकई आप हमारा वीडियो देख सकते हैं मकई को कैसे फ्रोजन करते हैं और हम कढ़ाई रखेंगे उसमें कुछ भी नहीं डालेंगे तेल वगैरह या बटर कुछ भी नहीं डालेंगे खाली कढ़ाई गर्म होगी उसमें हम इस मकई के दाने को डाल देंगे और खाली ऐसे ही उसको चलाएंगे और उसको इस तरह चलाते चलाते वो अंदर से जो थोड़ा सा हल्का सा सौंधापन आ जाता है जला जला सा वो न बहुत अच्छा लगता है उसका महक उसकी स्मेल जो होती है वो बहुत अच्छी लगती है हम उसको बिना कुछ डाले ही बस उसको चला लेंगे और जब उसका पानी एकदम सूख जाएगा और तब हम तब तक हम उसको चलाएँगे और चलाने के बाद देखिए हमारा हो गया है और एक चीज़ देखिए अभी तक जब किसी ने कोई सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये हमारा हो गया है अब इसको हम एक डिश में निकाल लेते हैं और इतना बढ़िया लगता है ना हल्की हल्की सी अल, अलग ही टाइप की स्मेल आने लगती है और जब ये ठंडा हो जाएगा हम इसको निकाल के रख लेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो एक मिक्सर के जार में इसको हम निकाल लेंगे हमें इसको पीसना है मिक्सर में इसको ग्राइंड करना है और ये हमें अब बहुत ज़्यादा नहीं उसको पीसना है ठंडा होने पर ही पीसेंगे इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि जो है बहुत गर्म ना हो एकदम ठंडा हो जाए तभी पीसेंगे और इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे और जो है ना दरदरा पीसना है पेस्ट जैसा नहीं बनाना है हमें दरदरा पीसना है थोड़ा सा दाने दानेदार तो नहीं कहेंगे पर थोड़ा सा पेस्ट से थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए और इसको हम अब एक बर्तन में निकाल लेते हैं और हम ये याद रखिएगा कि उस समय हमने कुछ भी नहीं डाला है पीसते समय सिर्फ मकई के दाने हमने जो भूजे थे उसी को ही हमने पीसा है और हम एक जार में जब एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे फिर जो वही वाले जार में हम थोड़े से लहसुन ले लेंगे उसको और हरी मिर्च हमने तीन हरी मिर्च यहाँ पर ली है उसको छोटे छोटे टुकड़े करके हम उसमें डाल देंगे और ये सब जो है और एक छोटा सा अदरक समझिए आधे इंच जितना अदरक का एक टुकड़ा लेंगे वो भी इसमें हम डाल लेंगे और इसको भी हम पीस लेंगे पूरा इसको भी हमें पल्स पे ही चलाना है क्योंकि पेस्ट नहीं चाहिए लेकिन हाँ दरदरा से थोड़ा सा ज़्यादा पतला इसलिए हम पल्स मोड पे ही चलाएंगे मिक्सर को और ये देखिए हमारा तैयार हो गया है और इसको भी हम जो हमने मकई देखिए इस तरह का होना चाहिए एकदम महीन भी नहीं हो जाना पेस्ट टाइप का और जो हमने मकई के दाने स के रखे हैं उसमें हम इसको मिक्स कर देंगे और मकई का सीजन है इसलिए ये इस सब चीज़ें बनानी भी चाहिए नई नई रेसिपी आपको इस तरह दिखाते रहेंगे आगे भी हम आपको मकई के और हाँ इसमें हम डालेंगे दो चम्मच चावल के आटे चावल का होता है ना वो हम डालेंगे इसमें दो चम्मच और डालेंगे एक चम्मच भर के आप लगभग एक चम्मच बेसन इसमें पड़ जाएगा और और जो है दूसरा कुछ नहीं डालना है और मसाले में हम ढेर सारा धनिया डालेंगे धनिया में इनमें काट लीजिए और बहुत सारी धनिया रहती है उतना इसका महक स्मेल बहुत अच्छी आती है और मसाले में हम डालेंगे हमने हरी मिर्च डाली है इसलिए ध्यान दे के अपने स्वादानुसार हम जो है लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे वो उसका भी एक अलग ही स्वाद आता है इसमें और नमक डाल देंगे और जो है हींग थोड़ी सी डालेंगे इसमें और अजवाइन की पत्ती डालेंगे अजवाइन या तो आपके पास पत्ती है तो पत्ती डालिए वरना तो आप अजवाइन भी डाल सकते हैं हमारे पास हरी पत्तियाँ तो मैं इस समय हरी पत्तियों का ही यूज़ करती हूँ उससे बहुत अच्छा लगता है हरा हरा भी हो जाता है हमारा डिश सारा और धनिया के साथ अजवाइन की पत्ती भी बहुत अच्छी लगती है अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और एक बात याद रखना है कि हमें इसमें पानी का यूज़ अभी तक हमने नहीं किया है और ये डालना भी नहीं है बहुत ज़्यादा सूखा लगे तभी एक आध चम्मच डालने का पर मैंने एक भी चम्मच का पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है और ये सब मिक्स करके रख दिए तब तक थोड़ा उसमें नमक पड़ा है अपने आप वो पानी जैसा छोड़ेगा और हमने एक प्याज आधी प्याज डाली एक प्याज नहीं डाली है आधी ही प्याज डाली उसको एकदम छोटा छोटा काट लेंगे और काटने के बाद छोटे छोटे पीस में काट के हम वो जो मिक्सर है हमारा मिक्स किया हुआ सब मकई के उसमें हम इसको मिला देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक तरफ हम कढ़ाई रख देंगे गरम होने के लिए गैस पर और एक तेल डाल देंगे उसमें आप जो भी खाते हो वो तेल यूज़ कर सकते हैं हम जो है पीनट ऑयल यूज़ करते हैं इसलिए पीनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं आप जिसमें भी खाते हो भजिया उसमें सरसिया के तेल में भी बहुत अच्छा लगता है आप उसमें भी तल सकते हैं पर हम सोया पीनट ऑयल में यूज़ कर रहे हैं और हमने लिया साथ में थ्री तीन हरी मिर्च लिए उसको बीच में से काट लिया है ताकि वो तेल में डाले तो उड़े नहीं वो फटके इसलिए उसको तल लिया है भजिया के साथ ना हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है आप ऐसे तल के बना के देखिए बहुत अच्छा लगता है और इसको हम निकाल लेते हैं और हमारा तेल गर्म ही है अब यहीं पे हम जो मकई के सारे पेस्ट बना के रखे है ना उसको अच्छे से एक बार और फेंट लेंगे भजिया बनाने से पहले अब उसको हम एक एक, -एक, -एक करके भजिया डालना शुरू करते हैं और यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं ध्यान देने वाली कि जैसे आप जब भजिया उसमें डाल रहे हैं तो आँच तेज होनी चाहिए आँच तेज होनी चाहिए और जब सारे हमारे जितना हमको डालना है एक बार में डालने के बाद हम आँच को मीडियम पे कर देंगे ताकि जो भजिया है जब हम गरम डालना शुरू करते हैं तो जब गरम तेल रहता है ना तो वो एक दूसरे में चिपकती नहीं क्योंकि हल्की सी एक लेयर बन जाती है उनके ऊपर कृष्प और उसके बाद जब हम कम कर देते हैं मीडियम आंच कर देते हैं तो वो अपना अंदर तक धीरे 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 पक जाती हैं और वो एकदम अच्छी सी कुरकुरी हो जाती हैं और अंदर तक अंदर खाइए तो सॉफ्ट निकलेंगे और ऊपर से दो उसकी ये जो परतें हैं वो अच्छी क्रिस्पी भजिया बनकर तैयार होती है ये छोटी छोटी टिप्स हैं आप किताश वर्ट देखते रहिए आपको मिल ऐसे ऐसे टिप्स तो बहुत सारी मिलती रहेंगी और हाँ अभी तक जो भी लोग न्यू हैं सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारी डिश जो है अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें कमेंट्स करें और बताया करिए कि आप लोगों को और क्या चीज़ बना के हम बताएं आप जरूर कमेंट्स में बताइए आप लोग और क्या मकई का बनाते हैं वो भी कमेंट्स करके बताइएगा और यहाँ पे देखिए हमारी भजिया कितनी मस्त कुरकुरी हो रही है अच्छे से एकदम तैयार हो गई है कलर देखिए कितना प्यारा कलर आया है और इनको अब हम निकाल लेते हैं और देखिए इतना बढ़िया रहता है और ये चीज़ ध्यान रखने वाला है कि हम तेज़ आँच पर डालते हैं पर पूरी भजिया हम मीडियम आंच पे ही तलेंगे और अभी देखिए हम इसको सर्व कर लेते हैं और सर्व करने के लिए हमने जो यूज़ किया है वो है प्याज और हरी मिर्च इन दोनों के साथ ये भजिया बहुत अच्छी लगती है पर आपकी मर्जी आप जो इसके साथ सॉस या ग्रीन चटनी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं पर बना कर ज़रूर देखिएगा और कैसी बनी कमेंट्स ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें थैंक्स